पूर्वी दिल्ली के V3S मॉल के बाहर बड़ी गर्मी को देखते हुए ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन की तरफ से और डाबर कंपनी के साथ मिलकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक विशाल जूस, ठंडाई, पीनट बटर इत्यादि वितरण किए गए हैं। वहीं ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन की चेयरमैन नवीन कुमार ने बताया कि गर्मी का सितम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उन्होंने देखते हुए यह भव्य कार्यक्रम करवाया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्या प्रोग्राम है? क्या देखिए, ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन देश भर में डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे कैंप चलाता है और कोविड में बड़ी सेवा की है। लगातार लोगों को डाबर इंडिया लिमिटेड और बीकानेर की मदद से जगह जगह हमने बहुत सारे इम्यूनिटीज़ के गुड्स बांटे हैं। कोविड में डाबर इंडिया लिमिटेड ने हमको जूस, चमनप्रास और शहद, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं, शैम्पू दिया है, ऑयल दिया है। इसी प्रकार से अब भी जब गर्मी दिल्ली में बहुत अधिक पड़ रही है, पॉल्यूशन की मार ज़्यादा है, लोगों की इम्यूनिटी बची रहे उसके लिए लगातार हम जो हैं जगह जगह जूस बांटने का काम कर रहे हैं, पीनट बटर बांटने का काम कर रहे हैं, शहद बांट रहे हैं लोगों को, शैम्पू बांट रहे हैं ताकि लोगों की इम्यूनिटी बचे और उनके साफ़ सफाई से कोविड जैसी नई कोई बीमारी पैदा ना हो। इसी संदर्भ में आज आप देख रहे हैं लगभग 5000 लीटर से भी ज़्यादा का जूस, इसके अलावा पीनट बटर हो गया, हनी हो गया, शैम्पू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लगातार गरीबों में और आम जरूरतमंद लोगों को बांट रहे हैं ताकि लोग इसका उपयोग करें और स्वस्थ रहें, भारत हंसता खेलता रहे। इसके लिए डाबर इंडिया लिमिटेड का भी बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।